दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जब भी आता हूँ अपने किसान भाइयों संबंधी जानकारी लेकर आता हूँ। इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो बड़ी अपडेट है, किसान समर्थन मूल्य को लेकर। ये 17 लाख किसानों की जेब पर लगने वाला है छन्ना और 6,000 रुपये का यहाँ पर होने वाला है आपको नुकसान। तो क्या है पूरा मामला, चलिए वीडियो में हम आगे समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश के किसानों की जेब पर इस बार तगड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य सरकार इस बार किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने से पहले छन्ना लगवाकर यानी ग्रेडिंग मशीन से उसकी जाँच कराएगी। इसके लिए बाकायदा किसानों से अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी आपको 20 रुपये एक क्विंटल का देना पड़ेगा तक चार्ज वसूला जाएगा। यानी यदि एक किसान सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र में अपना 300 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने जाता है तो उसे 6,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। राज्य सरकार पहली बार सभी 3,500 खरीदो केंद्रों पर यह व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश में इस बार 17 लाख किसानों से 128 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी करेगी। खाद्य सिविल आपूर्ति और उपयुक्त संरक्षण विभाग के संचालक ने बताया है कि ग्रेडिंग मशीन लगाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम बड़े जिलों के लिए टेंडर कर रहा है। टेंडर के लिए सरकार ने 20 रुपये अधिक मूल्य तय किया है, यानी इससे ऊपर टेंडर नहीं करना है। यदि कोई 20 रुपये से कम पर टेंडर भरता है तो उतनी राशि ग्रेडिंग के समय किसान के प्रति क्विंटल ली जाएगी। गेहूं के साथ कचरा मिट्टी तक की हो जाती थी खरीदी। अफसरों के अनुसार पहले भी खरीद केंद्रों पर गेहूं का छन्ना लगाने की व्यवस्था थी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। पहले छन्ना तब लगाया जाता था जब सोसाइटी के अफसरों को लगता था कि गेहूँ में कचरा मिट्टी आदि हो सकता है, लेकिन इसमें अभी भ्रष्टाचार होने की संभावनाएँ रहती थी। खराब गेहूं पीडीएस दुकानों पर पहुंचने पर विवाद की स्थिति बनती थी, इसलिए इस बार से खरीदी केंद्रों पर ग्रेडिंग और सफाई का काम कराया जाएगा। एजेंसी तय करने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। तय एजेंसी अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की ग्रेडिंग और सफाई करेगी। इसके लिए किसान को राशि देना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसानों का एक बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम छन्ना घर पे लगा कर आए हैं गेहूं और को हम साफ करके घर से ही लाए हैं तो हमें पैसा क्यों लगेगा। तो यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो किसान छन्ना लगा कर आएगा उसे 20 रुपये प्रति क्विंटल नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों से 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सफाई, उतराई और छनाई के लिए देना पड़ रहे हैं। किसानों से इसका विरोध किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि अगर किसान सफाई, छनाई और उतराई का काम खुद करेंगे तो उनसे अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर, अगर आप खुद से सफाई करके लाते हैं, खुद से आपका गेहूँ उतारते हैं मंडी में, तो आपको 20 रुपये चार्ज इससे आप बच सकते हैं और 20 रुपये का चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं देना होगा। और नई व्यवस्था की अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो ग्रेडिंग मशीन में एक बार में पूरा गेहूं डाला जाएगा, उसमें जो कचरा या अन्य कुछ होगा वो अलग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मंडी में आपको 20 रुपये का चार्ज अलग से ना देना पड़े तो इसके लिए आप अपने गेहूं को घर से साफ करके लाएं तो आपको इसका बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।